स्टूडेंट चांदनीकांत बीएड कॉलेज के इस ई क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग स्किनर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्किनर की थ्योरी के बारे में हम लोग उसके प्रयोग के बारे में जाने और भी बहुत सारी बातें जो है स्किनर की थ्योरी से संबंधित उन सबको जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो आइए चलते हैं, आज के क्लास में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसका शैक्षिक उपयोग क्या है। ठीक है, असिला तारीख है 21। आज हम लोग जानेंगे कि स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक उपयोगिता क्या है। हम कोई भी लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका हम लोग शैक्षिक उपयोग जरूर पढ़ते हैं कि हम लोग उसको किस प्रकार से शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी हम लोगों को मिला है उसे किस प्रकार से शिक्षा में उपयोग करके बेहतर बना सकते हैं। तो इन्होंने जो है अपने सिद्धांत के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है ऐसा कहा। यानी इस सिद्धांत को अप्लाई करके हम लोग बालक के वांछित व्यवहार में जो है परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छे व्यवहार बना सकते हैं बच्चों के। तो हम किस तरह से करेंगे, तो स्किनर का जो थ्योरी है उसके माध्यम से हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट आपका आता है कि शिक्षा में अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, तो बिना मोटिवेशन का कोई भी चीज़ जो है आगे बढ़ने की प्रोसेस में जो है उतना अच्छा से नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा में, कि जब हम बच्चों को मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो क्या करते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उस कार्य को करते हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट है क्रिया के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन देना। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, दो प्रकार के रिइंफोर्समेंट की चर्चा इन्होंने की थी। तो क्रिया के अनुसार जैसा बालक काम करेगा उसके अनुसार हम लोगों को रिइंफोर्समेंट देना है। अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक रिइंफोर्समेंट यानी कि हम उसको मान सम्मान पुरस्कार दे सकते हैं। नकारात्मक रिइंफोर्समेंट यानी दंड देना, डांटना इत्यादि। तो अगर मान लीजिए कि बच्चा अगर गलत कार्य करता है और हम उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं तो यानी हम उसके गलत कार्यों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए क्रिया के अनुसार जैसा वो काम करता है उसके अनुसार हमको रिइंफोर्समेंट देना चाहिए, और वो भी जो है उसी समय देना चाहिए, क्योंकि बाद में देने से जो है रिइंफोर्समेंट का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि समय पर उसको मोटिवेट करें, उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाए। नेक्स्ट है कि शिक्षा जगत में पुनर्बलन का जन्म। तो ये जो हमारा शिक्षा जगत है इसमें जो पुनर्बलन यानी रिइंफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका जन्मदाता स्किनर को माना गया है, कि इन्होंने जो है पुनर्बलन को जन्म दिया है। इनके अनुसार यानी स्किनर के अनुसार पुनर्बलन के जो है वो चार प्रकार बतलाए गए हैं। सबसे पहला कि सतत पुनर्बलन, यानी कि कंटिन्यूस हम जो है वो रिइंफोर्समेंट देते रहना चाहिए, हम लोगों को हमेशा देते रहना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि रिइंफोर्समेंट दो प्रकार के बताए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको बता दें कि इनके पुनर्बलन के अकॉर्डिंग जो है सतत पुनर्बलन चार प्रकार के बांटे हैं इन्होंने पुनर्बलन को। तो सतत पुनर्बलन यानी हमें हमेशा देना चाहिए रिइंफोर्समेंट बच्चों को। निश्चित अंतराल के अनुसार पुनर्बलन, ठीक है, यानी मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम पुनर्बलन दिए जा रहे हैं उससे भी बच्चा जो है वो मोटिवेट नहीं होता है। हमको एक समय अंतराल यानी निश्चित समय सीमा पर जो है उसको मोटिवेशन देना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हो। फिर है निश्चित अनुपात में पुनर्बलन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी हमें पुनर्बलन नहीं देना, रिइंफोर्समेंट नहीं देना। अगर मान लीजिए कि अगर आपको भूख लगी हो और एक ही बार आपको पूरा ठूंस के खिला दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो अगर एक साथ हम अगर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी स्टूडेंट को देते हैं तो वो भी हानिकारक होता है उसके लिए, और निगेटिव देते हैं तो वो भी हानिकारक होता है। इसीलिए हम लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निश्चित अनुपात में पुनर्बलन दिया जाए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है निश्चित अनुपात में पुनर्बलन। फिर है परिवर्तनशील पुनर्बलन, यानी कि जो हम रिइंफोर्समेंट देते हैं वो क्या होना चाहिए, वो चेंजेबल होना चाहिए, बदल बदल के देना चाहिए ताकि बच्चों को जो है उसमें रुचि बना रहे, इंट्रैक्शन बना रहे और वो क्या करे, अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहे। ठीक है, आगे हम आप लोगों से बस ये चर्चा करना चाहते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हर एक लर्निंग थ्योरी का जो है वो कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है स्किनर के थ्योरी को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन, आरएस थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन, स्किनर बॉक्स और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इन नामों से जाना जाता है। तो आप लोगों को यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ इसको कि आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा
क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप केवल स्किनर की थ्योरी नहीं पूछा जाएगा या आरएस थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि उसको बदल दिया जाए और बदल के जो है इसको किसी और नाम से जो है वो क्वेश्चन में शामिल किया जाए। तो इस नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, और मुझे लगता है कि इन सारे पॉइंट्स से जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इसको स्किनर के सिद्धांत को किस प्रकार से शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।